हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुझे लगता है कि इमरान खान के फैसले में और जागीर तरीन के फैसले में भी मुझे किया जाएगा। लगता है इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस में भी मुझे ही नाअहल किया जाएगा। सहाफी के सवाल पर नवाज शरीफ का शगुफ्ता जवाब। साबिक वजीर आजम ने अपने वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि हाजिरी से सस्ता की दरखास्तों पर फैसला लिया जाए। कुलसूम नवाज की अदालत के लिए लंदन जाना है। ये भी कहा कि मुल्क का वजीर आजम रहा लेकिन किस तरह यहाँ बिठा दिया गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड खिलाफ रेफरेंस की समाअत दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। इजाजत मिलने पर शरीफ फैमिली अदालत से वापस चली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट नवाज शरीफ की रेफरेंस जकजा करने की दरखास्त पर फैसला आज सुनाएगी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। पंजाब हाउस में नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। अहम फैसले मुतवक्के। देखना चाहिए उलमा की तहरीक के पीछे कौन है। परवेज मुशर्रफ को आईन तोड़ने का जवाब देना होगा। कैप्टन सफदर रिटायर्ड की मीडिया से गुफ्तगू। हम तवानाई के मंसूबे लगा रहे थे और एक शख्स कंटेनर पर खड़ा था, वो शख्स आज भी इसी तरह खड़ा है। मरियम औरंगजेब का तंज। डू मोर का मुतालबा लिए अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मेटिस एक रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वो वजीर आजम और आर्मी चीफ से मिलेंगे। पाकिस्तानी कयादत भी अपना मौकिफ दो टोक अंदाज में पेश करने के लिए तैयार। कराची में साहिल पर नौजवान जाफिर के कत्ल का मुकदमा गिरफ्तार, 4 मुलजिमान पर दर्ज। वारदात में इस्तेमाल 3री गाड़ी भी बरामद। मुलजिम खाबर ने फायरिंग का एतराफ कर लिया। जाफिर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं, फायरिंग करने वाले खाबर को जानता तक नहीं। डॉक्टर रहीम का बयान, कहते हैं हैवी बाइक चला रहा था कि अचानक मर्सिडीज ने टक्कर मार दी। अमरीका ने मकबूजा बैतुल मक़द्दस को इसराइल का दारुलहुकूमत तस्लीम किया तो खतरनाक नतायज होंगे। उर्दन के वजीर खारजा एमन सफादी ने अमरीकी हम मनसब रेक्स टिलरसन पर वाजे कर दिया। कहा इस फैसले से मुसलमान दुनिया मुश्तइल होगी।